नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मॉर्निंग में पहली वीडियो जो बनाई थी 10:30 मॉर्निंग की, फर्स्ट वीडियो पोस्ट मार्केट 3:30 एंड लेट नाइट 11:30-10 बजे जो वीडियो दिन की आखिरी होती है, इन तीन वीडियोस में मैं बाजार की अपडेट देता हूं, बाजार पे व्यू रखता हूं, कैसी क्या चीजें दिख रही हैं। वो शुरुआत की पहली वीडियो में मार्केट कैसा रह सकता है दिन के दौरान, ग्लोबली कैसी चीजें दिखी हैं उसको जज करते हैं, पोस्ट मार्केट जो कुछ बाजार में हुआ उसको डिफाइन करते हैं, एंड लेट नाइट अगले दिन की तैयारी करते हैं जो भी संकेत आ रहे होते हैं। एंड मैंने आपके साथ क्लियरली कहा था कि ऊपर में 22,300 एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा, वो करा, नीचे 22,100 एज अ सपोर्ट काम करेगा, और नीचे आज आप लो देखिए, अभी 12 बज रहे हैं एग्जैक्टली, 22,105 का स्पॉट में लो है और अभी 22,170 ट्रेड कर रहा है निफ्टी। ये डेटा की इंपॉर्टेंस है और ये आपके साथ टाइमली इंफॉर्मेशन शेयर करी है, इसका फायदा है। केवल इतना ही नहीं कहा था, ये भी कहा था 22,300 पे कॉन्ट्रा प्ले करेंगे पुट के साथ और 2,200 पे कॉन्ट्रा प्ले करेंगे कॉल के साथ, पैसा बन गया भाई साहब। इतना आसान नहीं होता है, लेकिन डेटा एनालिसिस करने से एक चीज तो होती है कि कम से कम आप गलत पोजीशन नहीं बनाओगे। सुबह से गिरता देखकर आपने शॉर्ट नहीं करा होगा 22,100 पे, कॉल खरीदी नहीं खरीदी वो एक बात है, लेकिन पुट नहीं खरीदी होगी। ये आपके लिए एक अपडेट थी और ये काफी बढ़िया बात रही मुझे कि हम आपको सही गाइडेंस दे पाए। गलत पढ़ना लाजमी है, ये स्टॉक मार्केट है, सब होता है, लेकिन जो डेटा कह रहा था जिसकी मदद से मैंने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर करी वो ठीक है। और ये सब 2 बजे तक है, 2 बजे के बाद जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है, 300 के ऊपर निकलेगा तो और ऊपर की पोजिशन बनेगी और 100 के नीचे निकलेगा तो और नीचे की बनेगी। 2 बजे से पहले तक कॉन्ट्रा है, 2 बजे के बाद सेम है। क्यों? क्योंकि फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है। तो ये एक अपडेट हो गई। अब आता हूं मैं अपने पॉइंट पे दोस्तों, वेदांता। वेदांता आज काफी बढ़िया बढ़िया खबरों के चलते सुबह गैप अप खुला, लेकिन वहां से कंटिन्यू गिरावट आ रही है। देखें आप तो 445 पे ओपन हुआ, 447 का इसने हाई लगाया, अभी 434 पे ट्रेड कर रहा है, 434 रुपए का भाव है करंटली, 447 का आज का हाई है, ऊपर से ऑलमोस्ट 13 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है आप ये कह सकते हो, जो कि 3% हो गया। वेदांता पे मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं बनाता हूं क्योंकि हमारे सारे टारगेट्स डन है, इस भाव पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं किसी भी मेटल में, इंटरेस्टेड इन द मीन फ्रेश एंट्री के लिए, जिन्होंने ले रखा है वो मैनेज कर रहे हैं अपने हिसाब से, क्योंकि एक रिस्क रिवॉर्ड चीज नाम की चीज होती है, वो नहीं दिखती मेरे को तो क्या फायदा है वीडियो बनाने में। आप नोटिस करते होंगे टाटा पावर हो गया, वेदांता हो गया, इन पे एक समय मैंने टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोज बनाई है, इन्फोसिस हो गया, तो ये अभी भाव से निकल गए हैं हमारे, इन्फोसिस तो अभी भी भाव पे है, उसमें आप अभी भी, हम मैं कंटिन्यू कर रहा हूं कि मौका है, मौका है, अब कब चलेगा नहीं पता है, लेकिन चलेगा ये सबको पता है। अभी वेदांता की बात करें, पहले तो मैं ट्रिगर्स बता दूं आज के, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, 2 चीजें होनी है, फंड रेजिंग पे विचार की किस तरीके से फंड रेजिंग करने जा रही है कंपनी, कितना करेगी इशू, और इक्विटी शेयर्स ला रही है, एनसीडी ला रही है, जो भी होगा वो मतलब फंड रेजिंग है। दूसरा, पहला इंटरम डिविडेंड आ सकता है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए, क्योंकि रिसेंटली हिंदुस्तान जिंक ने 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया। अगर हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वो डिविडेंड में लगभग 4,200 करोड़ रुपए बांट रही है, जो 10 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड है उसमें 4,200 करोड़ रुपए हिंदुस्तान जिंक की बुक से निकलेंगे, इन्वेस्टर्स में जाएंगे। सबसे बड़ा इन्वेस्टर वेदांता है, 65% इक्विटी, तो वेदांता पे उस 4,200 करोड़ में से लगभग 2,700 करोड़ वेदांता खुद ले जाएगा। अब वो 2,700 करोड़ वेदांता के पास आ गया है, वेदांता के पास जैसे ही रुपये आता है वो अपने शेयर धारकों में बांट देता है, तो ये 2,700 करोड़ तो डेफिनेटली इसमें से कुछ ना कुछ वेदांता जो डिविडेंड देगा वो अपने इन्वेस्टर्स में बांट देगा, तो डिविडेंड आने की उम्मीद पूरी है। अब सवाल ये उठता है कि इस भाव में क्या करें, ये क्यों गिर रहा है? देखो, गिरावट के पीछे अगर आप रीजन देखें, पूरा मेटल मैंने चेक करा, आज नीचे आया है, पूरे मेटल में हल्की हल्की करेक्शन दिखी है हमें। फॉर एन एग्जाम्पल, जो लीड कर रहा था मॉर्निंग में मेटल इंडेक्स, अभी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है। आज अगर मेटल स्टॉक्स की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर 1% नीचे है, हिंडालको भी लगभग 0.5% नीचे, आपके लिए NMDC, नेशनल एल्यूमिनियम, सेल, टाटा स्टील, वेदांता, ये सारे ही नीचे हैं। ऊपर भी हैं कुछ स्टॉक, जैसे JSPL है आपका, JSL है आपका, हिंदुस्तान कॉपर है, हिंदुस्तान जिंक है आपका, ये स्टॉक आज भी लीड कर रहे हैं। देखिए, वेदांता के स्टॉक पे आप पॉजिटिव रहिए अगर आपके पास है तो, आपके पास नहीं है, आप लेने का मन बना चुके हैं तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मैंडेटरी है, स्टॉप लॉस जरूर रखना। स्टॉक बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न में इस समय ट्रेड कर रहा है, वैल्यूएशन टर्म्स में तो सस्ता ही है वेदांता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मेटल स्टॉक्स हैं ये घूमे तो बड़ी गिरावट आ सकती है। तो मैं ये कहूंगा, जिसके पास भी है
स्टॉप लॉस 393 का लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। ऊपर में 450, 65, 70 कोई भी भाव आपके लिए अचीवेबल है इस स्टॉक में। और जिस हिसाब से हिंदुस्तान जिंक भाग रहा है वैसे ही वेदांता भाग सकता है, क्योंकि भैया 65% स्टेक लेके बैठा है, उसकी कंपनी भाग रही है तो उस पर भी पैसा बनेगा, वो खुशी में ही भाग जाएगा। तो मेरा मानना है कि वेदांता इस समय गोल्डन पीरियड में चल रहा है, आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं, बट एज अ इन्वेस्टमेंट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको क्या भाव दूं। बस यही कहूंगा स्टॉप लॉस के साथ, एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, एक स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से स्टॉप लॉस के साथ कैरी करें। इन्वेस्टमेंट में हम स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, बाय ऑन डिप करते हैं। और ऐसी सिचुएशंस में जब सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन डर लगता है तो फिर हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं कि इससे ज्यादा लॉस मैं नहीं लूंगा एंड वो एग्जिट दे दूंगा। और 493 आपका 10% के करीब का है, उससे छोटा स्टॉप लॉस नहीं बनेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वेदांता पे अपडेट थी। होप आपको सारी चीजें पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी, और बोर्ड मीटिंग का जो आउटकम आएगा वो मैं डेफिनेटली आपके साथ कवर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।